ये पति को हमने पूछताछ के लिए बुलाया और सीसीटीवी कैमरा के आधार के ऊपर और जो उनसे पूछताछ में जो तथ्य प्रकट हुए उनका और जो सबूत आए उनसे पूछताछ करने पर इन्होंने घटनाक्रम के बारे में बताया और घटनाक्रम इनके द्वारा किया गया, इस पे इनको अरेस्ट किया हमने। कोई आपराधिक रिकॉर्ड इसका सीसीटीवी की मदद से इसको पकड़ा है, क्या मोटो था महिला के साथ भी रहा था लिविंग इनके जो बड़ी पहले वाली जो पत्नी है उसकी बेटी का बर्थडे था और बर्थडे ये सेलिब्रेट करना चाह रहे थे और इनकी जो पत्नी है वो बर्थडे सेलिब्रेट कराने के लिए मना कर रही थी। इन बात को लेके इनकी तकरार हुई, इस तकरार पे झगड़ा हुआ और इन्होंने फायर कर दिया। मान चूँकि वो तो अब वो उनसे याद किया जा सकता है, लेकिन चूँकि उस महिला के हित जुड़े हुए हैं इनसे, उनका परिवार जुड़ा हुआ है, तो नेचुरल है कि उन्होंने इस चीज़ को और कुछ इनका ये रिकवरी में है तो इनका पहले से भी इस प्रकार का एक ऐसा टेम्पो या डेकोरम इन्होंने भय बना रखा होगा, तो ये भी एक कारण हो सकता है। सर? क्या क्या बरामद हुआ, हथियार बरामद हुआ, क्या वो उसमें अभी एक बार जांच की जा रही है, काफ़ी चीज़ आएगी सामने। बताया दूसरा आदमी कहाँ से लाया हथियार? वो अनुसंधान जब पूरा होगा जब प्रकट करेंगे।